नमस्कार, मैं हूँ सौम्या राठी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर गोपालगंज से निकलकर सामने आ रही है, जहाँ एक के बाद एक चार लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग इस वक्त बीमार पड़े हैं। बड़ी खबर गोपालगंज से आ रही है, जहां एक के बाद एक इतने लोगों की मौत होने से और लोगों के इस तरीके से बीमार पड़ने की वजह से वहां के लोगों के मन में अब दहशत का माहौल जो है वो पैदा हो चुका है। अधिकारियों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो भी गोपालगंज पहुंच रही है और वहां इस वक्त लोगों के बीच में हड़कंप मची हुई है, क्योंकि एक के बाद एक चार लोगों की जो है वो मौत हो चुकी है, जिसमें से तीन लोगों की मौत की वजह ये बताई जा रही है कि जहरीली शराब का सेवन हो सकता है। अभी तक इस पर मोहर नहीं लगाई गई है इस वजह पर, लेकिन ये आशंका जताई जा रही है कि तीन लोगों की मृत्यु जो है वो जहरीली शराब के सेवन की वजह से हुई है। इनमें से दो की पहचान कर ली गई है और एक के परिजनों ने ये बताया है, एक ऐसा शख्स जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसके परिजनों ने ये बताया है कि मंगलवार की रात अचानक उनकी तबीयत खराब हुई और उसकी मौत हो गई। ये भी उनके परिजनों ने बताया कि उन्हें जहरीली शराब की वजह से उनकी मौत शायद हुई है, क्योंकि उन्हें शराब का सेवन करने की जो है वो आदत थी और मंगलवार की देर रात अचानक उस शख्स की तबीयत बिगड़ी और फिर उनकी मौत हो गई। गोपालगंज में इस वक्त लोगों के बीच में काफी ज्यादा डर का माहौल है, क्योंकि एक के बाद एक ना केवल लोगों की मौत हो रही है लेकिन कई लोग जो है वो बीमार पड़ रहे हैं और सदर अस्पताल में इस वक्त कई लोगों का इलाज चल रहा है, जिनमें तीन लोगों की हालत इस वक्त जो है वो भी गंभीर है। आपको बताते चले कि अधिकारियों के साथ साथ जो है वहां पर स्वास्थ्य विभाग की भी टीम पहुंच चुकी है, क्योंकि गोपालगंज में जिस तरीके से लोग बीमार पड़ रहे हैं, अब लोगों के मन में एक दहशत का माहौल पैदा हो गया है। ये आशंका जताई जा रही है कि जहरीली शराब के सेवन की वजह से लोगों की वहां पर मृत्यु हो रही है। बताते चले कि गोपालगंज में पहले भी ऐसे मामले देखे जा चुके हैं जहां जहरीली शराब के सेवन की वजह से लोगों की जान जो है वो जा चुकी है और एक बार फिर से यही आशंका जताई जा रही है गोपालगंज में अचानक से इतने ज्यादा लोगों के बीमार पड़ने के और लोगों की एक के बाद एक मौत होने के पीछे। बताया जा रहा है कि इस घटना में बीमार तीनों लोगों की हालत जो है वो अभी भी गंभीर है। सूचना मिलने पर सदर SDO उपेंद्र पाल, थाना अध्यक्ष शशि रंजन कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंच गए हैं। पुलिस ने मारे गए तीनों लोगों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर अब उनसे पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि महमूदपुर गांव तथा कुछ दूरी पर स्थित कुसर गांव के कुछ लोग एक साथ बैठकर शराब पीने के बाद मंगलवार की रात अपने घर पहुंचे थे। देर रात इतने लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी और एक साथ उन्हें वहां के महमूदपुर गांव निवासी संतोष साहू, छोटेलाल सोनी तथा कुसर गांव निवासी धर्मेंद्र राम की मौत हो गई है। बीमार लोगों को उनके स्वजनों ने मोतिहारी के अस्पताल में भर्ती कराया था। इलाज के क्रम में मोतिहारी में भर्ती महमूदपुर गांव निवासी छोटेलाल प्रसाद की भी मौत हो गई। जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या फिलहाल चार हो चुकी है, तो वहीं कुसर गांव निवासी भोला राम की आंख की रोशनी जा चुकी है। बताते चले कि बिहार में पहले भी ऐसे मामले कई बार आ चुके हैं जहां जहरीली शराब के सेवन की वजह से लोगों की जान गई हो। बिहार में कहने के लिए तो शराबबंदी है, मगर कहीं ना कहीं से लोगों को शराब मिली जाती है और लोग शराब का सेवन भी करते हैं। और बीते कुछ वक्त से बिहार में जहरीली शराब के सेवन की वजह से होने वाली मौत की घटनाएं जो है वो ज्यादा हो गई है, इसलिए इस बार इस मामले में जांच पड़ताल भी जो है वो उसी स्तर से की जा रही है। कई लोगों को हिरासत में भी लिया जा चुका है और अब उनसे पूछताछ की जा रही है, मामले को खंगालने की कोशिश की जा रही है। आपको बताते चले कि ये भी खबरें निकलकर सामने आ रही है कि मंगलवार रात को और जिन लोगों की तबीयत खराब हुई है उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनके आंखों की रोशनी जो है वो जा चुकी है। ऐसे में पुलिस को इस मामले में सख्त रूप से कार्रवाई करने की जरूरत है, कि जहरीली शराब का सेवन अगर इस स्तर पर किया जा रहा है, लोगों की जाने जा रही है, तो ये शराब आखिरकार उपलब्ध कहां से हो रही है। और एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो सूबे में शराबबंदी को यहां के मुखिया अपनी सबसे बड़ी सफलता बताते हैं, लगातार उस चीज का उदाहरण दिया जाता है, उस सूबे में शराबबंदी होने के बावजूद शराब लोगों को मिल कहां से जाती है और उसके सेवन की वजह से, जहरीली शराब के सेवन की वजह से इतनी सारी मौतें जो है वो प्रदेश में हो रही है। आप तमाम वीडियोस के लिए लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लाइव सिटीज के साथ ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।